देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, BHBC News में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। पाकिस्तान के पेशावर में पुलिस लाइन इलाके में स्थित मस्जिद में आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया। बताया गया है कि इस धमाके में 28 लोगों की मौत हुई है, वहीं 150 लोग घायल हुए हैं। यह धमाका दोपहर 1:40 पर हुआ। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर ने मस्जिद में नवाज के ठीक बाद खुद को उड़ा लिया। इससे नवाज के लिए आगे खड़े लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को पेशावर के ही लेडी रीडिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक इलाके को सील कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस घटना को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान आया है, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान आया है। उन्होंने घटना में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ खुफिया तंत्र को मजबूत करने और पुलिस फोर्स को और उपकरण मुहैया कराने की मांग की है। अभी के लिए सिर्फ इतना है। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।